इस मूवी की शुरुआत में जीमा जाओ नाम की एक औरत यह बता रही होती है कि किस तरह से सारे डायनासोर्स आजाद हो गए और अब वे इंसानों के साथ रह रहे हैं और बायोसिंग जेनेटिक्स में इन डायनासोर्स के ऊपर रिसर्च चल रही है। इसके बाद सीन नेवाडा एक डायनासोर फैकल्टी में शिफ्ट होता है जहाँ पर क्लियर अपने साथी के साथ चुपके से घुस जाती है और अंदर जाकर वह एक बेबी डायनासोर को चुरा लेती है। ऐसा करते देख वहाँ की सिक्योरिटी उसे देख लेती है लेकिन सिक्योरिटी के आने से पहले ही क्लियर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में क्लियर के साथी क्लियर को यह कहते हैं कि वे जानते हैं कि क्लियर बिल्कुल सही कर रही है लेकिन हाँ उसका तरीका जरूर गलत है इसीलिए वे अब उसका साथ नहीं दे सकते। इसके बाद सीन नेवाडा के माउंटेन्स पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ओवेन अपने दो साथियों के साथ डायनासोर्स के एक झुंड का पीछा कर रहा है। यहाँ पर ओवेन इन डायनासोर्स में से एक डायनासोर के गले में रस्सी डालकर उसे कंट्रोल कर लेता है और उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेसाई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो साइकिल से कहीं पर जा रही होती है लेकिन तभी उसे एक बहुत बड़ा डायनासोर दिखता है। जब मिसाई घर आती है तो क्लियर उसे पूछती है कि तुम कहाँ गई थी। इसके जवाब में मिसाई कुछ भी नहीं बताती। दोस्तों मिसाई 4 सालों से क्लियर और ओवेन के साथ ही रह रही है और क्लियर और ओवेन ये दोनों ही मिसाई को किसी और के करीब नहीं जाने देते और इन्होंने अपना घर शहर से काफी दूर जंगल में बनाया होता है जो कि मिसाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं क्लियर के घर के पास एक वेलोसिरैप्टर डायनासोर रहती है जो अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है। वहीं दूसरी तरफ टेक्सास को दिखाया जाता है जहाँ पर दो बच्चे अपने घर के बाहर बिल्कुल अकेले होते हैं लेकिन अचानक से लोकल्स का एक झुंड वहां पर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है लेकिन वे दोनों बच्चे घर के अंदर घुसकर अपनी जान बचाते हैं। इसके बाद में डॉक्टर एली अपने दोस्त के साथ वहां पर आते हैं क्योंकि लोकस ने सारी फसल बर्बाद कर दी थी। वो इस जगह को फिर से सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में एलन एली से मिलने जाते हैं। दोस्तों एलन और एली कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स है और एलन एली से काफी प्यार करते हैं लेकिन इतने सालों में एलन ने कभी भी एली से अपने प्यार को जाहिर नहीं किया। वहीं एली की तो शादी हो जाती है लेकिन अभी वो अपने हस्बैंड से अलग हो रखी है। अब यहाँ पर एली काफी परेशान होती है क्योंकि ये लोकल्स काफी बड़े होते हैं और काफी खतरनाक होते हैं और एक बार में ही पूरे खेत को तबाह कर देते हैं। यहाँ पर एली अपने साथ एक लोकल का सैंपल भी लाई होती है जो कि वो एलन को दिखाती है। दोस्तों एली को इस मैटर में एलन की मदद चाहिए होती है और एलन इसके लिए राजी भी हो जाता है। इसके बाद में एली और एलन ट्रांसिल्वेनिया आते हैं जहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स को एक साथ रेस्क्यू करके रखा गया था। एक दिन जब मिसाई अपने घर के बाहर होती है तभी वहां पर एक डायनासोर का बीबी आ जाता है जो मिसाई को देखकर काफी डर जाता है। अब वह उस बेबी डायनासोर को कुछ खाने के लिए देती है तभी वहां पर उस बेबी डायनासोर की माँ आ जाती है जो कि मिसाई को उसके बेबी के साथ देखकर काफी गुस्सा हो जाती है लेकिन तभी वहां पर ओवेन आ जाता है जो काफी मुश्किल के बाद उस डायनासोर को शांत कर देता है और ये जो कुछ भी चल रहा होता है इसे दूर से रैन दूरबीन से देख रहा होता है और रैन उस डायनासोर को किडनैप कर लेता है। इसीलिए ओवेन उसे फॉलो करता है ताकि वे बेबी डायनासोर को बचा सके। वहीं दूसरी तरफ मिसाई शहर जा रही होती है लेकिन उसे ब्रिज पर ही डायनासोर हंटर की साथी किडनैप कर लेती है और दूर से ओवेन ये सब कुछ देख लेता है और फिर वे भाग कर तुरंत घर आता है और गन लेता है और क्लियर को सब कुछ बता देता है। और जैसे ही ओवेन और क्लियर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उस बेबी डायनासोर की माँ अपने बच्चे के गायब हो जाने की वजह से काफी ज्यादा अग्रेसिव यानी कि गुस्से में होती है लेकिन यहाँ पर ओवेन बड़ी मुश्किल से अपने आप को और क्लियर को उससे बचा ही लेता है और उसे वहां से भगा देता है। अगले सीन में क्लियर फ्रैंकलिन को कॉल करती है जो कि उसका पुराना साथी है और उसे मदद के लिए वह उसके पास बुलाती है। इसके बाद फ्रैंकलिन इन दोनों से मिलकर इन्हें एक सीक्रेट एजेंट बेरी के बारे में बताता है जो कि इनकी मदद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एली और एलन रेमसस से मिलते हैं और वह उन्हें बायोसिम रिसर्च सेंटर ले जाता है। यहाँ पर डॉक्टर लेविस इन दोनों का वेलकम करते हैं। फिर रेमसी इन दोनों को डॉक्टर रियान के पास ले जाता है जो कि फिलहाल लेक्चर दे रहे होते हैं। लेक्चर के बाद डॉक्टर रियान एली और एलन से पर्सनली मिलते हैं। इसके बाद सीन मलाटा में शिफ्ट होता है। कैलोरीन मिसाई को स्वाना के हवाले कर देती है। दूसरी तरफ ओवेन और क्लियर बेरी नाम के एक शख्स के साथ एक सीक्रेट क्लब के अंदर जाते हैं और दोस्तों इस क्लब के अंदर भूखे डायनासोर्स की फाइट करवाई जाती है और तो और यहाँ पर इनलीगल डायनासोर्स को खरीदा और बेचा भी जाता है। क्लियर यहाँ पर एक लड़की से मिसाई के बारे में पूछती है और उसकी फोटो दिखाती है लेकिन वह लड़की जानते हुए भी कुछ नहीं बताती क्योंकि वह इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। उसी क्लब के पास ओवेन रैन को देख लेता है और उसका पीछा करता है और मौका मिलते ही ओवेन रैन पर हमला करता है लेकिन इसी दौरान रैन डायनासोर्स के बीच में पड़ जाता है और यहाँ पर दोनों तरफ से दोनों डायनासोर्स रैन के हाथों को काटने लगते हैं लेकिन तभी ओवेन रैन से पूछता है कि मिसाई कहाँ पर है लेकिन रैन यहाँ पर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी यहाँ पर एक एक्टोसिरैप्टर डायनासोर खुद को आजाद कर लेता है
है जो कि काफी बड़ा और खतरनाक होता है और वे डायनासोर रायन को मार देता है। और ये सब कुछ दूर से सोयना देख रही होती है और उसके बाद वे सभी डायनासोर्स को जो कि पिंजरों में थे उन्हें आजाद कर देती है। और ये सारे डायनासोर्स बाहर निकलने के बाद ओवेन और उसके साथियों के पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद सोयना डॉक्टर रायन को कॉल करके बताती है कि यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है क्योंकि मिसाई के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए। इसके बाद क्लेयर सोयना के पास आती है और उससे बात करने की रिक्वेस्ट करती है। वे बात से मैटर को सोल्व करना चाहती है लेकिन सोयना कुछ भी नहीं सुनती और वे क्लेयर पर हमला कर देती है। और यहाँ पर क्लेयर और सोयना के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पर क्लेयर सोयना को काफी शॉक देती है जिसके बाद में सोयना क्लेयर को उसकी बेटी के बारे में बता देती है। यहाँ पर सोयना बताती है कि मिसाई को यानी कि क्लेयर की बेटी को बायोसिन लेकर गए हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एट्रोसिएप्टर आ जाता है जिसे लेजर की मदद से सोयना क्लेयर की तरफ कर देती है। और काफी देर तक तो वह डायनासोर क्लेयर के पीछे पड़ा रहता है। उस डायनासोर से बचते बचते क्लेयर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाते रहती है लेकिन फिर वे नीचे गिर जाती है। लेकिन वे जमीन पर नहीं बल्कि एक गाड़ी के अंदर गिरती है जिसके अंदर कायला होती है और कायला तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से भागने लगती है। लेकिन वे डायनासोर अभी भी क्लेयर का पीछा करना नहीं छोड़ता। वहीं दूसरी तरफ एक और एक्ट्रोसिएप्टर ओवेन और बेरी के पीछे पड़ा होता है जिसे बेरी और ओवेन अपनी सूझबूझ से एक पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं। यहाँ पर क्लेयर माइक्रोफोन के जरिए ओवेन को यह बता देती है कि मिसाई को बायोसिन ले जाया गया है। इसीलिए मिसाई को बचाने के लिए ओवेन एक बाइक लेकर वहां से निकलता है। यहाँ पर सोयना एक बार फिर से उसके पीछे एक एक्ट्रोसिएप्टर छोड़ देती है जो कि उसका पीछा करने लग जाता है। यहाँ पर ओवेन किसी भी तरह से उस डायनासोर से भागते भागते अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ क्लेयर भी अपने पीछे पड़े उस डायनासोर से भागने की कोशिश करती है और इसी दौरान वे उस डायनासोर पर हमला कर देती है और उससे अपनी जान छुड़ाती है। इसके बाद कायला क्लेयर को अपने प्लेन में ले जाती है। यहाँ पर कुछ देर में ही ओवेन भी आ जाता है लेकिन उसके पीछे अभी भी दो बहुत खतरनाक एक्ट्रोसिएप्टर पड़े होते हैं। इसके बाद कायला ओवेन को बचाने के लिए प्लेन के पीछे के हिस्से को ओपन कर देती है ताकि ओवेन उसके अंदर आ सके। और इसके बाद प्लेन के टेक ऑफ करते वक्त ओवेन किसी भी तरह से प्लेन के अंदर आ ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिसाई को बायोसिक में डॉक्टर हेनरी से यह पता चलता है कि उसकी रियल में माँ कौन थी। दरअसल दोस्तों मिसाई की रियल मॉम यानी कि शार्लेट भी बायोसिक के अंदर एक साइंटिस्ट थी। मिसाई की डीएनए में कुछ प्रॉब्लम थी जिसे उसकी माँ शार्लेट ने डीएनए चेंज करके ठीक कर दिया था और शार्लेट ही एकमात्र ऐसी साइंटिस्ट थी जिसे इंसानों का डीएनए चेंज करना आता था। मिसाई को वहां पर इसीलिए लाया जाता है ताकि उसके डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट डीएनए चेंज करने की प्रोसेस को समझ सके क्योंकि मिसाई का डीएनए दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यहाँ पर मिसाई को यह भी पता चलता है कि डॉक्टर हेनरी ने डॉक्टर लेविस के कहने पर लोकस पर एक्सपेरिमेंट किया था जिस वजह से लोकस इतने ज्यादा खतरनाक बन गए थे और ये लोकस एक बार में ही बहुत सारे खेतों को तबाह कर दे रहे हैं। इसके बाद एली और एलन को दिखाया जाता है जो सभी की नजरों से छुपकर एविडेंस को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों इन दोनों को ये शक होता है कि लोकस का जो ये नया रूप है इसका निर्माण बायोसिन के अंदर ही हुआ है और ये दोनों वहां की एक लैब के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर ये एक लोकस को भी पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिसाई को वे बेबी डायनासोर मिल जाता है जिसे किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। मिसाई उस बेबी डायनासोर को आजाद कर देती है जिस वजह से वहाँ पर अलार्म बज जाता है और जो सारे लोकस वहाँ पर कैद होते हैं वे सभी आजाद हो जाते हैं। और ये देखकर एली और एलन उस लेब से बाहर निकलते हैं और बहुत मुश्किल से ये लोग वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। एली और एलन को बाहर मिसाई मिलती है और दोस्तों मिसाई पहले से ही इन दोनों को जानती है इसीलिए वह इन दोनों के भागने में मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ कायला के प्लेन पर टेरोसोर्स हमला कर देता है जिस वजह से प्लेन के अंदर आग लग जाती है। इसीलिए ओवेन क्लेयर को एक पैराशूट देकर प्लेन से बाहर कर देता है और खुद कायला के साथ किसी भी तरह से बायोसिक के अंदर लैंड करता है। वहीं दूसरी तरफ रेम से डॉक्टर एली और एलन के पास आता है और अब उसे भी लोकस पर हुए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल जाता है जिस वजह से वह अब एली और एलन का साथ देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर अपने आप को पेड़ से लटका हुआ पाती है। इसके सामने एक थेरी ज़ेरोसोरस होता है जो कि काफी खतरनाक होता है और उसे बचने के लिए क्लेयर नदी के अंदर कूद जाती है। और जब वे डायनासोर वहां से चला जाता है तब क्लेयर वहां से बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ ओवेन और लायला के पास एक पायरोरेप्टर आ जाता है जो कि वहां पर जमी हुई लेक के नीचे चला जाता है और ओवेन भी बर्फ के टूटने की वजह से लेक के अंदर चला जाता है। और तभी पायरोरेप्टर तेजी से ओवेन की ओर बढ़ता है लेकिन सही टाइम पर लायला ओवेन को पानी से बाहर खींच लेती है और ओवेन की जान बचा देती है। लेकिन इनका पीछा करते करते पायरोरेप्टर भी बाहर आ जाता है और उसके बाद में ये दोनों भागते हुए एक लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिसाई एली और एलन भागते हुए एक माइल के अंदर चले जाते हैं जहां पर भी इन्हें कई सारे डायनासोर्स का सामना करना पड़ता है। वहीं इधर क्लेयर के ऊपर भी एक डायनासोर हमला करने ही वाला होता है लेकिन तभी वहां पर ओवेन और लायला आकर उसकी जान बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रायन आग जलाकर सारे लोकस को मरने के लिए वहीं पर छोड़ देता है। इस वजह से लोकस बेकाबू होकर लेब से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागते हैं और वे काफी बेकाबू और खतरनाक हो जाते हैं जिसे देखकर क्लेयर काफी हैरान रह जाती है। और इन्हीं लोकस में से एक लोकस डॉक्टर एली की गाड़ी पर भी गिर जाता है जिस वजह से डॉक्टर एली और एलन की गाड़ी नीचे गिर जाती है।
यहाँ पर क्लेयर और ओवेन भी होते हैं जिसे की मिसाई पहचान लेती है और इस तरह से मिसाई अपने पेरेंट्स से मिल जाती है। तभी वहाँ पर एक चिगानोटोसोरस आ जाता है जिनसे बचने के लिए ये एक जगह पर छुप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लेविस देखते हैं कि लोकस की वजह से जंगल में भी आग लग चुकी है क्योंकि धीरे धीरे उनकी लेब की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए इमरजेंसी में वहाँ के सभी लोगों को निकल जाने की सलाह दी जाती है और क्लेयर खुद वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन क्लेयर, ओवेन और बाकी सारे लोग बायसिन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बेबी रैप्टर मिलता है जिसे मिसाई कंट्रोल कर रही होती है और इस बेबी रैप्टर को ओवेन इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और ओवेन ऐसा इसीलिए करता है ताकि उसे उसकी मॉम के पास वापस भेज दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लेविस बचने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वे डायनासोर्स का शिकार बन जाते हैं। इसके बाद कई सारे बचे हुए डायनासोर्स इंसानों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं लेकिन कायला किसी तरह से सारे लोगों को अपने साथ प्लेन से वहां से निकालने में सफल हो जाती है। आखिर में डॉक्टर एलन डॉक्टर एली से अपने प्यार का इजहार करते हैं और ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं। इसके बाद डॉक्टर हेनरी अपनी गलती को सुधारते हैं और लोकस की डीएनए में चेंजेस करके उन्हें फिर से नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद ओवेन क्लेयर और मिसाई बेबी डायनासोर को उसकी मॉम से मिलवा देते हैं और यहाँ पर उस बेबी डायनासोर की मॉम ओवेन का शुक्रिया अदा करती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।